आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। जी क्या नाम है आपका? दिव्या श्रीवास्तव। दिव्या जी कहाँ रहते हैं आप? जी मैं कानपुर में रहती हूँ। क्या परेशानी है आपको? सर मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम थी। पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। डी एन एच सी यू ओ एल ए एफ। 6 महीने के बाद भी मेरी उतनी ही रोशनी है जितनी पहले थी, कम नहीं हुई है बिल्कुल भी। जितनी रोशनी बड़ी थी उसी जगह पे आपकी रोशनी आज भी स्थिर है। है जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है। 6 महीने के बाद अपन फिर से पेरिफेरल जांच कर रहे हैं, जब आपने इलाज बंद कर दिया है 6 महीने से लगभग राइट आंख का। जस्ट आप सोच भी नहीं सकते, मैं ये बिल्कुल कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ ही गया है। एक आंख में 16 इंच का, एक आंख में 15 इंच का इनका पेरिफेरल विजन हुआ। इससे आपको क्या क्या फायदे लगते हैं चलने फिरने में? मुझे काफी कम्फर्टेबल लगता है अब। जैसे जीने चढ़ने उतरने हैं, बीच में कोई गड्ढा है, ब्रेकर है, तो उसमें काफी सही लगता है, कंफर्टेबली मैं चल सकती हूँ आराम से। मतलब अब आप गड्ढे वगैरह में गाड़ी आपकी नहीं कूदती है और आप गिरती भी नहीं है। और यहाँ से जब साइड से आपके कोई चीज निकलती है, हाँ जी, वो जो आपको डर लगा रहता था कि मैं टकरा जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, कोई मुझसे टक्कर ना मार दे, उस डर का क्या हुआ? वो डर बिल्कुल खत्म हो गया है, अब काफी सही है चलने फिरने में, आने जाने में। आप किसी का हाथ पकड़ती हैं? नहीं, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत की क्या स्थिति थी? शुरुआत में तो जीने चढ़ने हैं या कोई गड्ढा जमीन पे है, वो कुछ समझ में नहीं आता था, बहुत डर सा दिखता था और हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ती थी रोड पे क्रॉस करने के लिए। रोड आप किसी को चाय देती थी तो क्या आप उसको देख पाती थी? हाँ, मैं नहीं देख पाती थी, चाय नहीं छान पाती थी कप में, लेकिन अब मैं अच्छी तरीके से सारे काम अपने कर लेती हूँ। किचन के सारे काम अब आप पूर्ण रूप से करना शुरू कर दिए हैं। तो थाली में सब्जी रखना है या पानी देना है या और कुछ काम है, वो इजीली आप कर लेते हैं और आप जीवन का एंजॉय करने लगी हैं। जो डिप्रेशन में थी आप, जिस परेशानी में आप थी, वो परेशानी आप बिल्कुल आपकी खत्म हो। तो तमाम उन लोगों को ये खुशियां मैं बांटना चाहूंगा जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से हताश निराश परेशान होकर बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि इस विश्व में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये दिव्या जी हैं, इनका आप देख रहे हैं, जो 0 से आज 16 इंच की पेरिफेरल में पहुंच गई हैं। डिस्टेंस विजन जो उंगलियां भी नहीं गिन पाती थी, आज चश्मे से करीब 80 फीट दूरी तक देख रही हैं। ये मुबारक हो और पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पूरी तरह जिंदगी में हताश निराश होने के बाद भी जीता जा सकता है। यस सर, आप उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां आप एक नॉर्मल इंसान की तरह आप जिंदगी जी सकती हूं, जी रही है। यस सर, तो दुनिया भर में जो मिथिक फैला हुआ है, जो एक धारणा फैली हुई है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कलर ब्लाइंडनेस इफेक्ट इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसका इलाज है, 100% है, आप यहाँ पे आके कराएं और फायदा जरूर मिलेगा। तो जो दुनिया भर के डॉक्टर्स और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, वो चीज सही है क्या? नहीं, वो चीज सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे है इलाज। तो आज अपन कह सकते हैं कि आज हम भारत वर्ष के लोग फिर विश्व में नंबर 1 हो गए हैं इलाज के मामले में। जी सर। यस सर। तो आप पूरी दुनिया के लोगों से अब क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में इसका इलाज श्योरिटी के साथ किया जाता है और ये एक असाध्य बीमारी थी लेकिन अब नहीं है, यहाँ पे इसका इलाज श्योरिटी के साथ होता है हमारे भारतवर्ष में। तो पूर्ण प्रयास है, पूर्ण सफलता है हर व्यक्ति को, किसी को कम किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को जल्दी किसी को टाइम लगता है, लेकिन फर्क आ रहा है। तो बहुत सारी बधाई हो आपको, आपके परिवार को और उन लोगों को जो आप सभी के पीड़ित हैं इस बीमारी से और हताश होकर बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा जीवन कैसे कटेगा। उन लोगों के लिए आप एक प्रेरणा है, विश्वास है कि आप ठीक हुई हैं, उसी तरह दुनिया के सभी व्यक्ति ठीक होंगे। हाँ श्रीवास्तव जी, दिव्या आपकी बेटी है, क्या परेशानी थी इसको? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी थी। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ और क्या परेशानी हो गई थी? कलर ब्लाइंडनेस भी था और मोतियाबिंद भी था। मोतियाबिंद भी हो गया था जी। सारी परेशानियां इस बच्ची को एक साथ घेर ली थी।
ठीक। अब आपको क्या लग रहा है आपके बच्चे को क्या फर्क, कितना फर्क किस किस चीज में आ गया है? अब टांगे जो भी मर्ज थे हर मर्ज में इसको फायदा हुआ है, करीब 80%। दुनिया के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारी हो आंखों की तो यहाँ आए और अपना इलाज करा कर जाए, फायदा मिलेगा और अच्छे से ठीक होके जाएंगे। जिस तरह आपकी बिटिया को फायदा मिला, हाँ, हाँ, उसके साथ वालों को फायदा मिला, मिलेगा उसी तरह सभी लोगों को फायदा मिले, फायदा मिलेगा जी। हाँ श्रीवास्तव जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया के लोगों से? पूरी दुनिया देश समाज के लोगों से यही कहना चाहेंगे, जो भी इस मर्ज से पीड़ित हो वो उज्जैन आके डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ इलाज करावे, और वो हमें पूर्णतः विश्वास है कि जैसे मेरे बेटी ठीक हुई है वैसे हर मरीज यहाँ ठीक होगा, उसको फायदा मिलेगा। तो अब आप इसके भविष्य को लेकर चिंतित तो नहीं है? जी नहीं, अब बिल्कुल भी चिंतित नहीं है भविष्य के लोग के, ये अब ये कहें भी अकेले आना जाना हुआ आ जाओ, अब तो नहीं कहती पापा चलो वो स्थितियां खत्म हो गई है, पापा या भैया या माँ का हाथ पकड़ के चलना होता था दिव्या को, ठीक। अब ईश्वर ने उसको दिव्य ज्योति प्रदान करी है, उसकी रोशनी बढ़ती गई है और भोले बाबा की कृपा और माँ बाप का आशीर्वाद उसके काम आया है। तो ये सब आप सभी को मुबारक हो और विश्व के तमाम उन लोगों को मुबारक हो जो इस बीमारी से हताश निराश हो चुके हैं, सभी जगह सोचते हैं कि अब क्या करें। क्या नाम है आपका? सर जी, ये दिव्या कौन है आपकी? बड़ी बहन है। बड़ी बहन है जी। क्या बीमारी थी? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ, तो आरपी के कारण इनकी जिंदगी पूरी तरह से जी होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आराम मिला, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपका कि आपकी वजह से मेरी सिस्टर फिर से दोबारा अच्छे से फिर से देख पाई। तो पूर्ण तरह से ये आप पूरे परिवार पे डिपेंड हो गई थी जी, कोई भी काम कर नहीं पा रही थी जी, उस स्थिति से ये बाहर आई हैं जी। और पूर्णतः अब आपको कैसा लगता है, ये क्या आपको ऐसा ऊपर डिपेंड है? नहीं नहीं, अब तो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। पहले तो ऐसा लगता था कि मतलब चलते थे हम लोग, शाम को थोड़ा सा अंधेरा हो जाता था तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मतलब हाथ पकड़ के ही चलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन में मार्केट में जाते थे, भीड़ वगैरह में? हाँ, भीड़ वगैरह में मतलब भीड़ बढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, टकरा जाया कर रही थी, है ना। तो ये जो बीमारी है आरपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसका आपने कई जगह इलाज करवाया था जी, तो सभी जगह क्या कहा गया था आपसे? यही कि इस बीमारी का कहीं भी इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आज विश्व में आपकी बहन ठीक हुई है जी, करीब करीब 85% वो नॉर्मल हो गई है जी। तो अब आप मानते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी का इलाज सक्सेसफुली हो रहा है जी? बिल्कुल, हिंदुस्तान में जी बिल्कुल हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, उज्जैन में। तो क्या अब आप मानते हैं कि ये बीमारी असाध्य नहीं रही है जी? क्योंकि आप हर बार अपनी सिस्टर के साथ आते थे जी, और पूरे देश विदेश के पेशेंटों से मिलते थे जी, उन लोगों को फायदा भी हो रहा, उनको भी फायदा हुआ हुआ, उस तरह आपकी सिस्टर को भी फायदा हुआ हुआ। तो अब आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में इसका इलाज नहीं था पहले, लेकिन अब हुआ है इंडिया में और उज्जैन में। सर ऋषभ जैन जी वो करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल फैमिली जैसा है, बहुत अच्छा लगता है। वक्त के साथ रोशनी बढ़ती जाना, रोशनी खत्म होती जाना और पुनः बढ़ना, ये एक एहसास है जी, एहसास को दिव्या जी ने भोगा है, और उस एहसास को आपने भी उस परेशानी में जी, आप भी इस बरोबर के शामिल थे अपनी बहन के साथ, क्योंकि जब जब बहन के कदम लड़खड़ाते हैं या सड़क चलते वो किसी से टकरा जाती है, तो जो पीड़ा उसके मन में होती थी जी, वो पीड़ा आपने अनुभव करी कि? जी बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत अंदर से बड़ा ख़राब लगता था कि ये सिर्फ मेरी सिस्टर क्यों ऐसा, सिर्फ आपकी सिस्टर को नहीं, देश के विदेश के करोड़ों लोगों को ये बीमारी है जी, और वो हताश निराश इसलिए बैठे हैं क्योंकि सभी डॉक्टर ये कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं है। वो हम कुछ भी नहीं कर सकते जी, अल्टीमेटली आपको ब्लाइंड होके जीना है, घर पे बैठना। जी आपको भी ये कहा गया था? हाँ जी सर, मुझे भी बोला गया था, हर डॉक्टर्स ने यही बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं है और धीरे धीरे जो रोशनी है वो भी खत्म हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपको बिल्कुल घर पे बैठ जाना होगा सूरदास बन के। तो वो स्थितियों से जूझते हुए आपका परिवार बाहर आया है जी, आप सभी को बहुत सारी बधाई हो।
तो क्या आप देश और विदेश के लोगों से कहना चाहेंगे कुछ अपनी तरफ से? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आइए, यहाँ पे है हमारे इंडिया में और हिंदुस्तान में नंबर वन था, है और अब तो रहेगा ही। और यहाँ पे इलाज है इस चीज का, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का। तो असाध्य बीमारियों का इलाज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस जो आपकी सिस्टर को हो चुका था, मोतियाबिंद, मैक्युलर डिजेनरेशन, ये सारी बीमारियां असाध्य कही जाती है विश्व में। तो क्या इन सभी बीमारियों का अब इलाज ढूंढ लिया गया है? जी सर, और ये इलाज सक्सेसफुली कहाँ हो रहा है? सर उज्जैन में, इंडिया इंडिया में उज्जैन में डॉक्टर ऋषभ जैन जी के पास। तो सभी लोगों को यहाँ इलाज के लिए आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए, अपनी हताशा निराशा छोड़ के आना चाहिए। जी ये आप बोलो। जी सर बिल्कुल आना चाहिए, पूरा सेंटेंस बोलो। हताशा और निराशा छोड़कर, अपनी हताशा निराशा छोड़कर यहाँ पर आइए और अच्छे से इलाज करवाइए विश्वास के साथ। और देश भर के डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो क्या आप उन लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर देखिए, ऐसा है कि इलाज तो है और अब हो गया है हमारे, अभी तक तो नहीं था, अभी तक नहीं था लेकिन अब हुआ है, अब हो गया है। तो आप उन डॉक्टर्स से, उन जो सलाह देने वाले हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कि अब ऐसा कहना बंद कर दीजिए कि इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, इलाज है और उज्जैन में है और लगभग 100% इलाज इसका हो गया है, हो गया। और व्यक्ति फिर नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया है। और जिस तरह आपकी सिस्टर ठीक हुई है, उसी तरह देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ठीक होगा। ठीक हो सकता। जी सर बिल्कुल। तो बहुत सारी बधाई हो आपको, परिवार को, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से बीमार पीड़ित लोगों के परिवार ग्रुप्स को, कि एक मिशन पूरा हो रहा है और सभी लोग इसका आनंद ले सकते हैं। बस थोड़ी सी कमी है विश्वास की, जी थोड़ी सी कमी है विश्वास की, लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए दिव्या जी पे, उनके परिवार पे और डॉक्टर ऋषभ जैन पे, कि जो भी हुआ हम आपको हर महीने दिखाते हैं। रोगी जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में।